हाँ ये डिस्टेंस चेंज पड़ेगा, या तो पूरा चेंज पड़ेगा तो डिस्टेंस चेंज पड़ेगा, दो डिजाइन हम लोग कैसा करते हैं उसके बाद। हाँ मगर अभी फॉर द टाइमिंग हम लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा चेंज पार्ट है, मगर हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये डिस्टेंस वाला ही चेंज हो, ठीक है, वरना ये पूरा प्लेट चेंज करना पड़ेगा कप के हिसाब से, ठीक है। और ये स्टैकर के साथ। हाँ उसके बाद कप लोडिंग के बाद आ जाता है कप प्रेसिंग आ जाता है, ठीक है ना। तो एडजस्ट कर सकता हूँ इसको, एडजस्ट कर, अभी ये थोड़ा हाइट कम है और थोड़ा हाइट होगा, कप के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये मैंडल में सिर्फ ये है कि ये मैंडल सेट चेंज होगा अगर 60-100 mm के कट लेंथ में होगा। अगर 100 mm के कट लेंथ से ऊपर जा रहा है तो ये पूरा कटर सेट चेंज होगा, राइट। फिर ये टैपिंग यूनिट, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं, ये बस एडजस्टमेंट होगा, कोई चेंज पार्ट नहीं आएगा। तो चेंज पार्ट आएगा एक हम लोग का वो लोडिंग, ये स्लीव एप्लीकेटर में आएगा, इसमें कोई चेंज पार्ट नहीं आएगा। अभी ये जो है ये 100 mm के हिसाब से था, 120 mm के हिसाब से था, हम लोग अभी 150 mm के हिसाब से करने वाले हैं, राइट। फिर यहाँ अनलोडिंग में आ जाइए, अनलोडिंग में ये एडजस्टेबल रहेगा, ये वाला सेट एडजस्टेबल रहेगा और ये भी एडजस्टेबल रहेगा। लास्ट का जो स्टैकर बनेगा, जो लास्ट का स्टैकर ऐसा एक बनेगा पेपर वाला, वो चेंज पार्ट में आएगा। तो चेंज पार्ट में एक स्टैकर हो गया, अनलोडिंग प्लेट हो गया और एप्लीकेटर्स में हो गया, और ये सारे पक्स चेंज होंगे, ठीक है। हाँ हमें अभी तक कोई भी ऐसा पक नहीं मिला है जो बिना कप नहीं मिला है जो बिना पक के चलता है।